चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद में 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे के बाद में गुरुवार की सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल को खोला। ये 1 सेमी प्रति सेकेंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड भी लगे हैं जो कि पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज करने में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रमा 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंड करने में 41 दिन लगे। चंद्रयान 3 के पहुंचने के बाद में वहां की कुछ फोटो जो है विक्रम और प्रज्ञान रोवर के द्वारा ली गई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चांद पर यह भारत का तीसरा मिशन है। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था लेकिन यह पूरी तरह से लैंड नहीं कर पाया था। इसके बाद में 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित का कहना है कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां पर चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत के ऊपर में भरोसा बढ़ेगा जो कि कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ पर कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन के चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत मिला था। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है। यहाँ पर पानी की मौजूदगी बर्फ के रूप में हो सकती है। चंद्रयान 1 मिशन में इस बात का संकेत भी मिला था। यहाँ पर मिली बर्फ भविष्य के चंद्रमा मिशनों और चंद्रमा कॉलोनी के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पानी का सोर्स हो सकती है। धरती के बाहर चांद इकलौता ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ पर इंसान पहुँचा है। चंद्रमा नहीं होता तो धरती भी टिकी नहीं होती। अब तक 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यान चांद के ऊपर भेजे जा चुके हैं। 24 इंसानों ने चांद के ऊपर सैर की है। इसमें से 12 लोग तो इसकी सतह के ऊपर चले भी है। चांद से अब तक 382 किलो मिट्टी और पत्थर धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाए जा चुके हैं। चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है।